21 सितंबर को 29 साल की मां लक्ष्मी टुकड़ों में बटी लाश को बेंगलुरु के बोरिंग अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। मां लक्ष्मी के कमरे और फ्रिज से बरामद टुकड़ों की जब मुर्दा घर में गिनती हुई तो पता चला कि कातिल ने मां लक्ष्मी के 30 से 40 नहीं बल्कि कुल 59 टुकड़े किए थे। जी हाँ, 59 टुकड़े। एक इंसान के इतने टुकड़े देख कर खुद मुर्दा घर के कर्मचारी तक हैरान थे। बेंगलुरु के अस्पताल में इससे पहले इतने टुकड़ों में बटी लाश कभी नहीं आई थी। दरअसल महालक्ष्मी का परिवार है तो नेपाल से, लेकिन पिछले 35 सालों से वो बेंगलुरु में रहते हैं। एक ही शहर में रहने के बावजूद महालक्ष्मी की अपनी माँ, बहन या भाई के साथ उतनी करीबी नहीं थी। 9 महीने पहले पति हेमंत दास से अलग होने के बाद महालक्ष्मी अपनी माँ या बहन के साथ रहने के बजाय किराए के घर में अकेली रह रही थी। पुलिस इस बात से भी हैरान थी कि महालक्ष्मी की अपने परिवार से आखिरी बार मुलाकात राखी के मौके पर 19 अगस्त को हुई थी। 2 सितंबर से महालक्ष्मी का मोबाइल भी बंद था, लेकिन इसके बावजूद अगले 19 दिनों तक यानी 21 सितंबर तक घर वालों ने कभी पलट कर महालक्ष्मी की खबर तक लेने की कोशिश नहीं की। वो तो 21 सितंबर को जब महालक्ष्मी के कमरे से बदबू आने की शिकायत आई, तब कहीं जाकर मकान मालिक ने महालक्ष्मी की मां को फोन किया, जिसके बाद महालक्ष्मी के कमरे और फ्रिज की सच्चाई घर से बाहर निकलकर सामने आई। बेंगलुरु के व्याली कवल इलाके में मौजूद एक 3 मंजिला घर की पहली मंजिल पर मां लक्ष्मी रहा करती थी। मां लक्ष्मी के कमरे से 21 सितंबर को फ्रिज और कमरे में बिखरे उसी की लाश के टुकड़े मिले थे। अंदेशा है कि मां लक्ष्मी का कत्ल करीब 19 दिन पहले हुआ था। जांच के दौरान पुलिस को मां लक्ष्मी के कमरे में रखा एक ट्रॉली बैग भी मिला है। बेंगलुरु पुलिस सूत्रों की माने तो बहुत मुमकिन है कि कातिल ने लाश के टुकड़ों को इसी बैग में रखकर कहीं बाहर ठिकाने लगाने की साजिश भी रची थी, लेकिन चूंकि ये इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला है इसलिए उसे लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने का शायद मौका नहीं मिला था। कमरे की तफ्तीश के बाद पुलिस सूत्रों का ये भी मानना है कि कत्ल इसी कमरे में हुआ और लाश के टुकड़े भी यहीं किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह कमरे से बैग के लाश के टुकड़ों को बाहर ले जाना आसान नहीं था, उसी तरह लाश के बाहर से कमरे तक लाना भी मुमकिन नहीं। क्राइम सीन के मुआयने के बाद पुलिस का ये भी कहना है कि कत्ल और लाश के टुकड़े करने के बाद कमरे और बाथरूम को साफ करने की भी कोशिश की गई थी। पोस्टमार्टम के बाद टुकड़ों में जमा लाश को मां लक्ष्मी के घर वालों को सौंप दिया गया, जिसके बाद बेंगलुरु में ही उसका अंतिम संस्कार भी हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मां लक्ष्मी का कातिल कौन है और कत्ल की वजह क्या है। तो बेंगलुरु पुलिस सूत्रों की माने तो उन्होंने मां लक्ष्मी के कातिल को ढूंढ निकाला है। इतना ही नहीं, सूत्रों का ये भी दावा है कि जिस कातिल की उन्हें तलाश है उसका परिवार भी मुंबई में रहता है। उसी कातिल के एक भाई तक बेंगलुरु पुलिस पहुंच गई। कातिल के भाई ने पुलिस को बताया कि मां लक्ष्मी के कत्ल के बाद उसके भाई ने खुद उसे बताया था कि उसने मां लक्ष्मी की हत्या कर दी है। कातिल के भाई की गवाही के अलावा कातिल के बारे में बेंगलुरु पुलिस को सीसीटीवी कैमरों से भी काफी अहम सबूत और सुराग मिले हैं। जिस व्याली कवल इलाके में मां लक्ष्मी रहा करती थी उसके घर को आने और जाने वाले रास्तों पर कुछ जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। उनके कैमरों में भी वो कातिल कैद हो चुका था। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ने खुद ये बात बताई कि पुलिस कातिल की शिनाख्त कर चुकी है और उसे पकड़ने के लिए देश के कई हिस्सों में पुलिस टीमें भी भेजी गई है। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु पुलिस को जिस कातिल की तलाश है वो भी एक हेयर ड्रेसर है। मां लक्ष्मी के साथ उसकी भी करीबी थी। ये हेयर ड्रेसर पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। मां लक्ष्मी के कत्ल के बाद वो भुवनेश्वर होते हुए इस वक्त पश्चिम बंगाल में ही कहीं छिपा हुआ है। उस कातिल का नाम भी है, लेकिन उस नाम का खुलासा पुलिस इसलिए नहीं कर रही है कि ताकि कातिल अलर्ट न हो जाए। मां लक्ष्मी के कत्ल के बाद उसके पति हेमंत दास ने शुरुआत में ये शक जताया था कि इस कत्ल के पीछे उसका एक और दोस्त अशरफ शामिल हो सकता है।
अशरफ की एक हेयर ड्रेसर की दुकान है और उत्तराखंड का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक महालक्ष्मी के साथ अशरफ की भी करीबी थी। हेमंत दास ने तो अशरफ को लेकर ये भी इल्जाम लगाया कि अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर था और उसी अफेयर की वजह से 9 महीने पहले वो और महालक्ष्मी अलग हो गए थे। हेमंत की शिकायत के बाद पुलिस ने अशरफ की तलाश की। अशरफ बेंगलुरु में ही था और अपने काम पर था। पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने लाई और उससे लंबी पूछताछ की। उसके बयान, पिछले 20 दिनों में उसकी लोकेशन, कॉल डिटेल, रिकॉर्ड और चश्मदीदों की गवाही के बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद अशरफ को छोड़ दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक महालक्ष्मी के कत्ल से अशरफ का कोई संबंध नहीं है, बल्कि असली कातिल इस वक्त बंगाल में है। इस खबर को दिखाकर हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको सच से वाकिफ कराना है, क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि आप किसी पर विश्वास, अंधा विश्वास कतई न करें। पहले अपना परिवार है, परिवार कभी भी किसी भी सदस्य का बुरा नहीं चाहता है। तो हम यानी कि जनता दरबार आपकी अपील करता है कि अंधा भरोसा आप किसी पे भी न करें। इसी तरह की खबरों को लेकर आप जनता दरबार पर अपडेट भी रह सकते हैं। हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें ताकि हम आपको नित नई खबरों से रूबरू कराते रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।